मैं भारत देश के कानून के हिसाब से, मैं भारत देश के कानून के हिसाब से कानून के सामने सभी को एक समान मानूंगा, कानून के सामने सभी के सामने समान मानूंगा। किसी भी हाल में मैं अपने कानून का उपयोग नहीं करने दूंगा। यही सत्य है। जय हिंद, जय जय भारत। बहुत खुशी हो रही है सर, पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे सिंसियर ऑफिसर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर। आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं पंचवर्मन। धन्यवाद सर। अरे 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 अरे, रिटायरमेंट होने के बाद तुम्हारा जरा भी रौब बदला नहीं, ऐसा क्या कर लिया इतने दिनों में? वामन अवतार की तरह इस दुनिया को मैं हिला डुला कर रख दूंगा। तुम जाओ अपना काम करो। 30 सालों से मैं ऐसे ही चलते आ रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपने ही पैसों से तुमने इतनी बड़ी माला क्यों खरीदी? मैं अपने पैसे देकर माला थोड़ी लेकर आया हूँ। तो फिर चोरी करके लेके आए हो? एक झापड़ दूंगा, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में इतने सालों से मेरा काम देखकर आईजी ने ये माला मुझे खुद पहनाई और कहा कि ये माला कहीं मत उतारना, घर जाकर अपने बीवी के सामने ही उतारना। इसीलिए घर आ गया है, माला उतार सकते हैं। ऐसे माला पहनी है जैसे कोई जंग जीत कर आए हो। ये क्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो क्या है, आपने पहनी देखकर मुझे भी मन हो रहा है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या बनाऊंगी, ये यूनिफॉर्म तो उतार कराओ। हाँ उतारता हूँ। बाप रे, अच्छा हुआ रिटायर हो गए, नहीं तो ये शासन यहाँ पर भी चलता। ऐसी बातें मत करो, हमारे दादा परदादा के जमाने से हम लोग पुलिस में काम करते आ रहे हैं। अब हमारा बेटा भी पुलिस में ही काम करेगा। अजी, उसे ये काम पसंद नहीं, इसीलिए तो वो शिक्षक बन गया है ना। अब उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं, उसकी जो इच्छा है उसे करने दो। वो अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुआ, हम दोनों की इच्छा से पैदा हुआ है। पुलिस में भर्ती ना होना पड़े इसीलिए वो परीक्षा में गलत जवाब देकर आया है। मैं छोड़ूंगा क्या? अरे मैं तो दूसरे के बेटों को पुलिस में भर्ती करा दिया, अपने बेटे को पुलिस में भर्ती करा के रहूंगा। महावीर अलेक्जेंडर की सेना को कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता था। उसके खिलाफ खड़ा हुआ एक राजा जिसका नाम पुरुषोत्तम था, वो बहुत बहादुर था। उसने अलेक्जेंडर को देखकर एक दिन पूछा, अलेक्जेंडर इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है, और ऐसा बोलकर उसने लड़ाई शुरू की। पता है उस लड़ाई में आगे क्या हुआ? पानी और खून को दोनों ने अलग अलग कर दिया। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर पागलों की तरह टूट पड़े। उन्होंने लाशों का अंबार खड़ा कर दिया, लेकिन अलेक्जेंडर आगे बढ़ता गया। उसकी तलवार दुश्मनों का सर काटती गई। वो आगे बढ़ता गया, चाहे दुश्मन सामने से आए या फिर पीछे से आए, वो हर एक चक्रव्यूह में बहादुरी के साथ घुसता गया। और उसने युद्ध का हर एक नियम निभाया। उसने सैनिकों से कहा, तुम डरो मत, आगे बढ़ते रहो, असली योद्धा वही है जो अंत तक मैदान नहीं छोड़ता। वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी तुम मैदान नहीं छोड़ोगे। और उसके सारे सैनिक उसकी वीरता का लोहा मानने लगे। धीरे धीरे वो संसार का सबसे बड़ा योद्धा बन गया, और इसका कारण था उसका जुनून, उसका मनोबल, उसकी वीरता, धैर्य, साहस। जिस किसी के पास ये सारे गुण आ जाए वो सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है। बड़े से बड़े चक्रव्यूह में वो अकेला घुस सकता है और वहां से निकल सकता है। यही योद्धा की पहचान है, वीरता, साहस, धैर्य। बोलो हम सब योद्धा बनेंगे, हम सब योद्धा बनेंगे। सर वो अभी सांप है। कहाँ सांप की तरह?
क्या मांग रहे हैं? छुट्टी हो गई क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तुमने क्या किया? बच्चों के सामने कुर्सी पर खड़े हो? तुम्हें बच्चों ने सजा दी है क्या? नहीं सर, ये सांप है। किधर है सांप? किधर सांप? आप नीचे उतरिए। ऐसा इन लोगों ने मजाक किया था। किसने मजाक किया है तुम्हारे साथ? कौन है, कौन है? ये सर। हाँ तू है बेटा। पढ़ाई चलते समय भ्रम भ्रम करके नहीं डराना चाहिए। बेचारा तुम्हारा टीचर डर गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, क्लास से बाहर निकालने के बजाय उसे प्यार से बात कर रहे हैं। कौन है तुम्हें पता है? हाँ विशाल। विशाल कोई छोटे मोटे घर से नहीं है, ये वीर बहादुर विश्वंभर जी का एकलौता वारिस है। वीर बहादुर विश्वंभर जी कौन है तुम्हें पता है? इनके पिता। इस पूरे इलाके के एकलौते गुंडे, जो जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसको वे काट डालते हैं। अगर इस बच्चे को क्लास से निकालोगे ना तो हम दोनों को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। संभाल के रहना विशु बेटे। अब कोई शरारत मत करना, तुम अच्छे बच्चे हो। पापा को मैंने याद किया है, बोल देना। बैठ जाओ। तेरी तो सांप। नहीं ऐसा मैं पूछ रहा था इससे। तुम भी बच्चों की तरह ऐसे बोलकर हेडमास्टर को डरा रहे हो? मैं चलता हूँ। तू क्यों नाक की तरह फन फैलाए खड़ा है? चल भाग। नमस्ते सर। वेलकम वेलकम, बैठो बैठो। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश्वरी। राजेश्वरी, वाह, इसीलिए इतनी सुंदर हो। आपका अप्रूवमेंट लेटर मिला सर। शुक्रिया सर। ये क्या सुंदरी, इसके लिए थैंक्स क्यों बोल रही हो? लेडीज को पहला प्रेफरेंस देना हमारी खानदानी परंपरा है। आपने बड़े ही कष्ट के समय में मुझे ये काम दिया है सर। लड़कियों को मुस्कुराना चाहिए, इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। तुम जैसी सुंदर लड़कियों की मदद करने के लिए ही तो मेरा अवतार हुआ है। इस स्कूल में पगार देने के लिए ही टाइम ऊपर नीचे होता है। हमेशा 2-3 महीने में पगार होता है। एक साथ पगार लोगी तो तुमको भी अच्छा लगेगा। कोई बड़ी चीज हाथ में आएगी ना। ठीक है सर, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। लड़कियाँ अगर ऐसे ही एडजस्ट करती रहें तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होगी। ठीक है, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हें थोड़ा सा एडवांस भी मिल जाएगा। तुम आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लो। वो लड़की तेरे दिल में ज्यादा ही बस गई है, देखते ही प्यार हो जाता है ऐसा सुना था, और आज देख भी रहा हूँ। उस टीचर को तू इतना चाहता है तो जाकर के बोल दे आई लव यू, और डर किस बात की है यार। अच्छा सुन, तू उससे प्यार करता है ना? मैं तेरा संदेश उसके पास लेके जाऊँ क्या? अरे बोल ना यार, डरता क्यों है? चलना यार जल्दी, दारू पीने चलते हैं, हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं हमारा। चल चल चल, जल्दी चल। अरे चलना यार जल्दी चल। धीरे से जाना खटियन में खटमल। अरे मेरा पर्स लेकर चला गया। अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो मेरा पर्स लेकर भाग गया। साइकिल रुक, साइकिल रुक, प्लीज प्लीज उसे कोई पकड़ो, वो मेरा पर्स लेकर भाग गया। पुलिस को बुलाओ प्लीज। पुलिस? अरे चुप कर, चुप बैठ। आप डरिए नहीं, हम आपका पर्स लेके आएंगे। मैं नहीं ये लेकर गया। चल चल जल्दी चल। अच्छा दिलीप, आज मैंने किसकी शक्ल देखी थी यार? अपनी शक्ल आईने में देखी। अरे चोर भाई, चोर भाई। अरे चुप कर। अरे भाई तुमने ऐसा क्यों कर दिया? तूने ऐसा चांस छोड़ दिया तो राजेश्वरी की नजर में इज्जत नहीं रहेगी तेरी। अरे चोर सर जी, सर जी रुक जाइए। अरे रुक जाइए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए रुकिए, प्लीज रुक जाइए। क्या है? देखिए आपसे मुझे बहुत खास बात करनी है। क्या खास बात है? अगर तुम लोग मुझसे बात करना चाहोगे ना तो काट दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। सीधी तरह अपना काम देखो जाओ। पहले आपका सही थे क्या? चुप कर।
चोर सर हमारी स्थिति के बारे में तो सोचिए सर। ए, क्या करता है? हमारी इज्जत आपके हाथ में है, बचा लीजिए सर। अरे तू कहना क्या चाहता है? आ सकता हूँ? आ जा। सर ये पर्स हमारे साथ काम करने वाली टीचर का है। हाँ तो मैं आपके पीछे पीछे भागता हुआ यहाँ पर आया हूँ। हाँ। और मैं बिना पर्स के यहाँ से जाऊंगा। हाँ। तो मेरी इज्जत की वॉट लग जाएगी सर। हाँ। तो ये पर्स हमें देकर हमारी इज्जत बचा लीजिए सर। ए, दोबारा इस पर्स के सामने आए ना तो चीर के रख दूंगा, समझ जा। सर आप गलत समझ रहे हैं, पर्स आप रख लो। नहीं, पैसे आप रख लो, पर्स हमें दे दो सर। ये तुमने सही कहा, पहले ही कहना चाहिए था ना। ए, ये साइकिल पकड़। कर लिया। चाकू भी पकड़। पकड़। ये ले पर्स। थैंक यू। अरे देना। थैंक सर। और सुन, पर्स संभाल के रखना। जी सर। अभी कितना पैसा था इसमें? चोर सर, कितने पैसे निकाले इसमें से? 80 रुपए। मेरे पास 30 रुपए हैं। तेरे पास कितने पैसे? मेरे पास तो इतने। ठीक है चलेगा यार। नहीं, तू ऐसे ही इसके सामने जाएगा? हाँ तो फिर और क्या करूँ? दिलीप तू कुछ समझा कि नहीं? हाँ तुझे तो बहुत कुछ समझ में आ गया ना। तू उससे प्यार करता है ना? हाँ। वो भी तुझसे प्यार करे तो ऐसा चाहता है? हाँ। जब तू कुछ करेगा तभी तो उसके दिल में तेरे लिए प्यार जागेगा यार। तो उसके लिए अखाड़े में जाकर के पहलवानों से लड़ूं क्या? अरे बस कर, मैंने कब ऐसा कहा तुझसे? तो तूने चोर से लड़ाई की और अपना हाथ पैर तोड़वा करके उसका पर्स लेके आ रहा है। क्या क्या बोले जा रहा है? ऐसा कह दूंगा, चल वो देख आ रही है वो। अरे जाना। आओ राजेश्वरी। अरे आप अकेले आए हैं? आपका दोस्त है और मेरा पर्स? आपके पर्स के चक्कर में दिलीप वहाँ पर बातचीत कर रहा है। दे मुझे दे, मैं कह रहा हूँ मुझे वापस कर दे। देख आखिरी बार बोल रहा हूँ, पर्स मुझे दे दे। आपके पर्स के चक्कर में थोड़ी मेरी छोटी लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना उसे। पर्स वापस कर, तेरी तो रुक। अरे रुकिए रुकिए, अंदर जाके मत देखिए, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। चोर चाकू रखा होगा, वो आपके ऊपर भी चला सकता है ना। भाई कहाँ भाग रहा है, वापस आ। ए आखिरी बार बोल रहा हूँ, पर्स वापस कर दे। तेरी प्लीज 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 रुक जाइए, मत जाइए अंदर। दिलीप जल्दी आ जा यार। अच्छा तू मर्द का बच्चा है तो आजा, दो दो हाथ करते हैं। आजा। रुके रुके, नहीं जाना, नहीं। दिलीप जल्दी आ यार। अरे आप अंदर नहीं जा सकती। दिलीप जल्दी आ यार। मेरी शर्ट फाड़ दी। अब तेरे पेट में मारा। पर्स दे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे इस चोर ने मेरा पॉकेट ही फाड़ दिया। पर्स तो मिल गया मुझे। देखिए आपके लिए कितना कष्ट उठाकर मैं ये पर्स लेकर के आया हूँ। देख लीजिए पैसे वैसे बराबर है ना इसमें। वजह से आपने कितना कष्ट उठाया? इसमें कष्ट की क्या बात है, अगर वो आपके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? सब ठीक है, आप जाइए। ठीक है चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। कष्ट उठाया है, चलो तेरी तो। राजेश्वरी राजेश्वरी। जी सर। सुनो, इन लफंगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताना, मैं उन्हें देख लूंगा। इस कंपाउंड में मेरे होते हुए तुम्हारे आजू बाजू में भी कोई नहीं आ सकता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम एक छोटी बच्ची, एक सुंदर चहकती हुई चिड़िया की तरह मुझे लगती हो। अगर इनसे ज्यादा मिलोगी तो तुम्हें प्यार के चक्कर में फंसा कर कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे जैसे आदमी से मिलोगी तो अनुभव के हिसाब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्यार में भी एक सिंसियरिटी तो होनी चाहिए ना। सीनियर होने के नाते मैं तुमसे यह सब बोल रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया सर? एक दो नहीं, एक दर्जन से किया है। सभी मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू, गेट अवे, ऐसा कहकर भगा देता था। तुम्हें देखने के बाद ही मुझे पूरी तरह प्यार का मतलब समझ में आया है राजेश्वरी। अभी तो और भी बहुत कुछ समझना बाकी है सर, चलती हूँ। हेलो, आप यहाँ? ये आपके हाथ में बॉटल? हाँ बॉटल। वो क्या है ना टीचर, आपके पर्स के खातिर दिलीप ने बहुत लड़ाई की थी ना, उसे बहुत चोट लगी है। चोट लग गई? दिलीप को नहीं, चोर को। पर दिलीप को अंदर से बड़ी मार लगी, पूरा बदन सूज सूज के टमाटर जैसा हो गया है। उसी को ठीक करने के लिए जालिम लोशन लेके। जालिम लोशन? ग्रैप्स वाटर। टीचर इसे मर्द लोग पीते हैं, आप नहीं समझोगी। अगर मैं खड़ा खड़ा यहाँ आपसे बात करता रहा तो वो दिलीप वहाँ पर दर्द से मर जाएगा। एनएबी ब्रांडेड की शराब। अबे मैकडोवल नहीं मिली क्या? अच्छा मैकडोवल ही पहले पीता था ना, इसे नहीं पिएगा क्या? अबे नहीं बे, ये ब्रांड मैं नहीं पीता। अरे पी लेना यार, बहुत अच्छी है ये। बोला ना मैं यार, पी ले। कौन आ गया सर? अबे मुझे क्यों दे रहा है यार? टीचर टीचर, चल मैं सोने का नाटक करता हूँ जल्दी। चल मैं चद्दर ओढ़ लेता हूँ।
आइए टीचर। कैसी है अभी इनकी तबीयत? ठंड लग रही है, बुखार भी चढ़ा है, जाके देख लीजिए। ठंड से कांप रहा है। ठंड लग रही है। सुनिए कैसे हैं आप? आपका बदन ठंडा हो गया है, आप ठीक हो गए हैं? पैर में दर्द हो रहा है। पैर को क्या हो गया? आप आराम से उठिए, देखिए संभल के उठिए, आराम से। अरे दर्द हो रहा है, आराम से मेरे कंधे पर हाथ रखकर उठिए, आइए संभल कर, आराम से संभल कर। तो यही है वो दवा जो डॉक्टर ने दी? नहीं। अबे तेरी तो, कहाँ गया तू? Good morning, boys. Sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Yay! चलो चलो. Good morning, sir. Good morning. एक बार और बोलो. Good morning, sir. एक बार और बोलो. एक बार और बोलो तो। Good morning, sir. Once more. Good morning, sir. बगल में क्लास चल रही है, आप लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। ओह मैडम, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए बोला तो मुझे कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है, इसीलिए बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। अभी ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी। बोलो बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर एक साइन कर दीजिए। लेटर आया है। क्या हुआ जी? ये क्या, इसमें 50 ही दिख रहा है, 200 कहाँ गए? वहाँ जाकर किसी को पटा वटा लिया है क्या? आप चुप भी रहिए, वो ये सब कुछ नहीं जानता। तू क्यों सिर खुजा रहा है? मेरे बेटे ने मुझे 50 रुपए भेजे हैं, सिर तो मुझे खुजाना चाहिए, तू क्यों खुजा रहा है? जा सुनो लेटर में क्या लिखा है, जरा पढ़ के सुनाओ। 200 रुपए का छोटा मोटा खर्चा कर दिया होगा, वही सब लिखा होगा। अपने बेटे के बारे में कभी भी गलत मत बोलना। पुन्नु ताई, क्या हुआ? ये अपने बेटे का लेटर नहीं है। तो फिर? ये लेटर ऊपर से आया है। ऊपर से कहाँ? अरे तुम ऊपर क्या देख रही हो, छत से लेटर थोड़ी आता है, पुलिस डिपार्टमेंट से आया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से आया है? मतलब आपको वापस बुलाया है? जरा रुको ना, मैं देख रहा हूँ ना, मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे को पुलिस की ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए कॉल लेटर आया है। हे भगवान, आपकी प्रार्थना भगवान ने सुनी है। अब उसे ले जाकर पुलिस में भर्ती करना ही मेरा पहला काम है। टीचर, मैं आपको कितनी दूर से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। क्या बात है? टीचर, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। कहिए। वो मैंने किट्टू से पूछा तो उसने बोला कि आपसे पूछने के लिए। पूछ सकता हूँ ना? पूछिए, मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। ठीक है, पहले आप पूछिए। पहले आप पूछिए। हाँ, पूरे साल में एक महीना कम दिनों का होता है, वो कौन सा महीना है? आपको महीने का नाम पता है क्या? बस इतना ही। अजी ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको नहीं पता? मुझे लगा आप कुछ और पूछोगे। अच्छा, आपको भी सवाल का जवाब नहीं मालूम? जिस महीने में सबसे कम दिन होते हैं वो है फरवरी। फरवरी? अच्छा वो 28 दिन का होता है। टीचर, आप कुछ पूछने वाली थी मुझसे? आप नहीं समझोगे, रहने दीजिए। ओह व्हाट अ इंसल्ट, मैं 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको भी मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। अरे सुनिए तो, क्यों भाई
इस होटल का ओनर कहाँ है? वो जो बैठा है वही है। असलम पक्कम के बाजू में 18,000 में बीवियाँ बेची जा रही है। 18,000 में बीवियाँ बेची जा रही हैं? ठीक से पढ़ो, बीवी नहीं टीवी है। बराबर बोले। अच्छा वो सब छोड़ो, दिलीप कहाँ है बताओ। हाँ हाँ, वो चोर के लड़के के बारे में बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, इसी एड़े के होटल में ठहरा था ऐसा वो बोल रहा था। ये तू किसे देख के येला बोल रहा है? तो तूने उसे चोर का बेटा क्यों बोला? ओह, तुम दिलीप के बाप हो क्या? नहीं तो क्या, माँ दिख रहा हूँ, साड़ी पहन कर आया हूँ क्या? हाँ हाँ, तू भी मुझे ऐसा बोल दिया, तेरा बेटा 3 महीने से भाड़ा नहीं दिया है, तो क्या मैं अपने सर पर चप्पल से मारूं? नहीं, मेरे बूट से मारो, मजा आएगा। अरे ये तो पुलिस का जूता है। सिर्फ जूता ही नहीं, मैं खुद पुलिस वाला ही हूँ। पुलिस वाले हो? अरे तो बैठिए ना। अरे छोटे, दो चाय लेके आओ। पुलिस का नाम सुनते ही सबके पाजामे गीले होने लगते हैं। अरे सर, लड़का भाड़ा नहीं देगा तो भी चलेगा। रुको, ये सब फालतू की बात मत करो। ये लो, ये 500 रुपया है, इसमें तुम्हें जितना भाड़ा रखना है रख लो। ठीक है। और मेरी बात सुनो, आज के बाद मेरे बेटे को अपनी लॉज में ठहरने के लिए जगह मत देना। अगर दिया तो ना तू रहेगा ना तेरा लॉज। वो सब छोड़, अभी मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा लड़का? अरे वो तो स्कूल के ड्रामे में गया है। अरे वहाँ एनुअल फंक्शन है, वही हीरो है। कौन सा ड्रामा? एंथोनी पोपट पटा रहा है। एंथोनी पोपट पटा रहा है? हाँ। इजिप्ट की खूबसूरत महारानी, क्या मैंने आपको परेशान किया? सफर में थक गई होंगी आप। आपके हाथ में अपना हाथ रखते ही मेरी थकावट मिट गई। मेरे हाथ फौलाद के हैं। दिल भी बड़ा है, सही कहा ना? गुस्सा करने वाले हाथ हैं ये। जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। स्वीडन को जीतने के बाद मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश पल रही थी और वो आज पूरी हो गई है। इतने दिनों के बाद भी इसे क्यों याद कर रहे हो? क्लियोपेट्रा। क्या सोमनाथ के राजा?
उसके बाद मैं जिस दिशा में जाऊंगा हर जगह मेरे नाम का बोलबाला होगा। पापा, पापा कहाँ से आ गए? पापा, पापा मुझे यहाँ से निकलना होगा। भागूंगा बेटा, भाग मत। अरे नाटक से भागा नहीं जाता है। शांत रहिए आप लोग। अरे पर्दा गिराओ, जल्दी पर्दा गिराओ। अरे जल्दी करो, पर्दा खींचो, जल्दी करो। अरे बेटा रुक जा, भाग क्यों रहा है? रुक जा। अरे बेटा दिलीप रुक जा, रुक जा। अरे मेरी बात सुन। अरे अरे रुक जा। अरे भागता क्यों है बेटा? रुक जा। अरे अरे ये क्या, ये तो दीवार पर चढ़ रहा है। ए रुक जा। कहाँ गया ये? अरे पुलिस वाले के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अगर कोई दूसरा होता तो अभी मैं पकड़ लेता। तू मेरा बेटा है इसीलिए छोड़ रहा हूँ। तू शाम को घर पर आएगा ना, तब मैं तुझे देखता हूँ। चल। नहीं ज्वाइन करूंगा, नहीं ज्वाइन करूंगा, नहीं ज्वाइन करूंगा। उसे जाना ही पड़ेगा पुलिस की भर्ती में। एक काम करो, तुम अभी के अभी उसे स्कूल से निकाल दो। उसे मैं स्कूल से निकाल दूं, बस इतना ही ना। हाँ, आपने तो मेरे मन की बात कहकर मेरी मुराद पूरी कर दी। अभी निकालता हूँ। सच बोल रहे हो ना? अपनी कसम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आज ही उसे स्कूल से निकाल दूंगा। मुझे क्यों काम से निकाल रहे हैं? मैंने कौन सा खून किया, कौन सी चोरी की है? पेरेंट्स को बताए बिना प्यार कर रहे हो? इतना खतरनाक काम करते हुए तुम यहाँ स्कूल में टीचर बनोगे सोचा था? पर इस तरह अनारकली सलीम, अंबिका अमरावती और रोमियो जूलियट बनकर तुम दोनों स्टूडेंट्स के सामने घूमोगे? ये आपकी आखिरी इच्छा है? मेरी आखिरी इच्छा की बात नहीं है, तुम्हारे पिता ने कहा है। यू आर डिसमिस। सर, सर। अजी सुनते हो, मुझे आपसे ना बहुत दिन से कुछ पूछना है। जो भी पूछना है जल्दी से पूछो, हमारे पास ज्यादा दिन का समय नहीं है। वो ब्लू फिल्म हाँ? कैसे कहते हैं, आपको कुछ पता है? ये क्या, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अब बताइए। हाँ? जी अरे रे 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 रे, नीले कलर की फिल्म को ब्लू फिल्म कहते हैं। बस इतना ही? और नहीं तो क्या। तो उस फिल्म को छिप कर क्यों देखते हैं? उनके घर पर देखने की जगह नहीं होती, इसीलिए बाहर जाकर छुप छुप कर देखते हैं। ऐसा क्या? ये लीजिए। हाँ? ये क्या, तुम ब्लू फिल्म की बात करके हाथ में हरी पत्ती थमा रही हो? भूल गए कि आप रिटायर हो गए हैं? रिटायर रिटायर क्या कर रही हो, काम के लिए रिटायर हुआ हूँ। तुम्हारे लिए मैं अभी रिटायर थोड़ी हुआ हूँ। तुमने कभी गुप्त ज्ञान की गुप्त किताब पढ़ी है क्या? हाँ हाँ पढ़ चुकी हूँ, पर मुझे तो दिखाई नहीं दिया। ये खा लीजिए। कौन है? बड़ी मुश्किल से प्यार कर रहा था, बीच में कौन आ गया? जाओ जाओ दरवाजा खोलो। हाँ हाँ तब तक ये खा लीजिए। पूरा का पूरा ठूंस दी, मुंह कैसे चलाऊं? बेटा दिलीप आजा। दिलीप आया है? क्या हुआ, आधी रात को आया, अकेले आया है? तू डर गया है क्या? छोटा बच्चा है क्या? सुनो, इतनी रात को जो लड़का घर आता है वो बाहर क्या देखेगा और क्या डरेगा बताओ? तुमने इस लड़के को बिगाड़ कर रखा है। लड़का लड़का क्या कह रहे हो, बेटा है हमारा। तुम चुप रहो, मेरे जैसे वीर आदमी का बेटा ऐसा डरपोक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे तो शक हो रहा है। पापा आप मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आज कितना दुखी हूँ आपको कुछ भी नहीं पता। क्या दुख है तुझे? मुझे मेरे काम से डिसमिस्ड कर दिया। बस डिसमिस किया है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुलदेवी, मेरे बेटे का टीचर का काम छूट जाएगा तो मैं मंदिर आके 100 नारियल फोड़ूंगा। 100 नारियल की क्या जरूरत है, महंगाई कितनी बढ़ गई है पता है ना आपको?
आप खुशी से एक नारियल चढ़ाएंगे तो भी देवी प्रसन्न होगी। मम्मी, मेरा काम छूट गया और आप दोनों यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो क्या हुआ, कौन सा बड़ा कलेक्टर का काम था, जाने दो। ये फालतू का काम छोड़ और पुलिस में भर्ती हो जा। अरे पापा पापा पापा, मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे पुलिस में भर्ती नहीं होना है पापा। तेरा नाम दिलीप रख के ही गलती की मैंने। तू मेरा नाम बदल दो मगर मुझे वो काम नहीं करना है। मम्मी तुम कुछ बोलो ना, बोलो ना प्लीज। ए जी, इसे काम पसंद नहीं है। वो क्या है ना, लाठी चार्ज, बम फेंकना, बंदूक चलाने से डरता है। जाने दीजिए ना जी। तो उसकी माँ है, एक शिवाजी की माँ थी कि वो अपने बेटे को युद्ध में सीने पर तीर तलवार खाने के लिए भेजती थी और कहती थी कि मेरा बेटा जीत कर आएगा। और एक तू इसकी माँ है, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि तू मेरी बीवी है। अपने बेटे को डरपोक बना रही है। मैं नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं रहूंगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ। पापा पापा, ये क्या करने जा रहे हो? रोक सकता। अरे क्या कर रहे हो मुझे? मेरे मंगलसूत्र का सवाल। अरे पापा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। पापा मरने की तैयारी है। पापा मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। अरे हो जाऊंगा, भरोसा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। सच बोल रहा है, बाद में मुकरना मत समझा। नहीं बेटा, मेरे मंगलसूत्र की तूने लाज रख ली, जुग जुग जियो। ऐसा आशीर्वाद नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी बने ऐसा आशीर्वाद दे इसे। तू जरूर बनेगा। आप चलिए चलिए, आपकी उम्र हो गई है, चलिए बैठिए आराम से, शांति से बैठिए। क्या मुसीबत है? मैं भारत देश के कानून के हिसाब से, कानून के सामने सभी को एक समान मानूंगा। किसी भी हाल में मैं अपने कानून का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा। यही सत्य है। जय हिंद, जय जय भारत। All halt! Dilip, what is wrong with you, young man? Practice में तुम्हें और ध्यान देना चाहिए. Then double up. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Bullet! By the left! Quick! March! Halt! पुलिस वाले को कितना अलर्ट होना चाहिए पता है? Come on, get up. आप कितने अलर्ट है वो चेक कर रहा था।
बहुत परेशान किया तूने, पैरों से रोंद दूंगा, पैरों से रोंद दूंगा, इसके बाद तू मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। ये ले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस वाले का मतलब हमारे देश के लोगों को आंखों की पुतलियों की तरह संभालना। जब कभी अपनी आंखों की पुतलियों में कोई चीज अगर चली जाए तो कितनी जलन होती है, वो अपने साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। नियम के अनुसार पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। आप और हम सिर्फ एक खाकी पोशाक नहीं है। न्याय, नीति, दुख और सुख के साथ गरीब लोगों को बचाना चाहिए, यही हमारे खाकी की पहचान है, और यही समझकर अपनी ड्यूटी निभाएं। नमस्कार। अभी ट्रेनिंग में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पाने वाले को बैच मिलेगा और बाकी लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। मिस्टर वेणुगोपाल। मिस्टर नारायण। और अब तीसरे स्थान पर है मिस्टर दिलीप। बस अपना मिस्टर दिलीप सर, अपनी ट्रेनिंग क्लास में तुम ही बिलो एवरेज के थे। मैं तो बिलो एवरेज ही हूँ सर। बातचीत में स्मार्ट हो तुम, मैं चाहता हूँ ड्यूटी में भी स्मार्ट रहना। यस सर, ऑल द बेस्ट। चलो, सब इंस्पेक्टर तो मैं बन गया, मगर ये मुच्छड़ मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अरे ये अभी क्यों इतना बड़बड़ कर रहा है, आज से ट्रेनिंग खत्म हो गई ना, ठीक है, अब तो तू गांव जाएगा ना। गांव में नहीं नहीं, मैंने जहाँ काम किया था मैं उसी स्कूल में जाऊंगा, वहाँ की टीचर के पास। दिलीप की माँ। हाँ जी। हमारा बेटा कौन सी बस से आने वाला था? उसने कहा था कि 6 बजे की बस में आएगा। 6 बजे की बस कितनी बार आती है, अब क्या करूं मैं उसका? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आ जाएगा, परेशान मत होइए। अरे लेकिन माला सूख जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा जी। सुनो भाइयों, जब बस आ जाएगी और मेरा बेटा बस से नीचे उतर जाएगा, उसके बाद तुम लोग बैंड बजाना और मैं उसे माला पहनाऊंगा, और बैंड बजाना बंद मत करना। देखिए तो बस आ गई, बजाना शुरू कर। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बस आ गई। ए, रुको रुको रुको, 80 साल का बुढ़ा मेरा बेटा हो सकता है क्या? तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या? अरे रुक जाओ। ये क्या है, लड़का और बुढ़ी औरत में फर्क समझ में नहीं आता क्या? कोई लड़का साड़ी पहनकर आएगा क्या? मेरा बेटा कैसा हो सकता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? इस बार गलती मत करना वरना छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे बजाओ बजाओ, मेरा बेटा आ गया है। ये क्या हो गया, बेटा अंदर क्यों भाग रहा है? लगता है वो डर गया है। अरे सुनो, डराने वाली धुन क्यों बजा रहे हो? स्वागत करने वाली धुन बजाओ। ये क्या है? हाँ हाँ, तेरे लिए बैंड बाजा बजा रहे हैं। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए तो बजा रहे हैं, आ जा। पकड़ो इसे। आजा, आजा, आजा। जुग, जुग, जुग। मजा आएगा खेलने में। चिट्ठी हो
करके कोई दूसरा नाम आना चाहिए भगवान। आजा किट्टू, कहाँ चला गया था? घर गया था। वहाँ पर अच्छा। गया तो तेरे पापा ने बोला कि तू अच्छा। यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ चला आया। बैठ जा। मैं स्कूल गया था, तूने काम छोड़ दिया क्या? हाँ यार, वो हेडमास्टर और मेरी जमी नहीं। काफी हाँ। कोशिश की कि जम जाए लेकिन फिर भी नहीं जमी, तो मैंने काम छोड़ दिया। ये देख, मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर आ चुका है। पता है मुझे, पापा ने बताया। बलिदान नगर है ना? हाँ रे। तेरी किस्मत कितनी खराब है, तुझे पता है वो कितना खराब एरिया है? बच के रहना। अरे यार, तू भी मुझे और लोगों की तरह क्यों डरा रहा भाई? ए किट्टू सुन ना, मेरा एक काम कर देगा। हाँ बोलना, क्या काम करना है? किसको उखाड़ना है? उखाड़ पाएगा क्या? अच्छा छोड़, कैसे भी करके पापा का नाम बोल करके मेरी ड्यूटी का ट्रांसफर करवा सकता है क्या? ट्रांसफर? ये क्या कह रहा है? अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, उसके पहले ही ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। वो क्या है ना चाचा जी, उस गांव में जो भी सब इंस्पेक्टर जाते हैं वो एक महीने से ज्यादा नहीं टिकते हैं। तो फिर क्या हुआ, काम करेगा तो तरक्की होगी ना? आप ऐसा बोल रहे हो, पर वो दिलीप कितना डर रहा है आपको पता भी है कुछ? इसमें डरने वाली कौन सी बात है बताओ? मेरी बात सुनो, मैं जैसा बोल रहा हूँ उसे वैसा ही बोल देना। पहली बार पोस्टिंग का लेटर आया है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बलिदान नगर में जाकर उसे चार्ज लेना ही होगा। ठीक है, बोल देता हूँ। बलिदान नगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्वाइनिंग से पहले ही तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। बलिदान नगर का नाम सुनते मुझे हार्ट अटैक आ जाता है भाई। मेरे पास एक आइडिया है, तू कह तो सुनाओ। इसके बाद अब क्या आइडिया देने वाला है बोल। ड्यूटी पे ज्वाइन करने से पहले तबीयत खराब है बोल के सिक लीव ले ले। सुपर आइडिया। छुट्टी के बाद मुझे बलिदान नगर जाना पड़ेगा फिर से। वो छुट्टी खत्म होने से पहले गांव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये तू जान जाएगा, फिर उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेना। अबे सुना है उस गांव में सब गुंडे ही गुंडे भरे हैं। देखिए, नदी में उतरने के बाद ही ये पता चलेगा कि उसमें मगरमच्छ है या मछली। अबे अगर मगरमच्छ होगा तो? देखिए, वहाँ पर मेरा एक शिवा नाम का दोस्त है, मैं उसे लेटर भेज देता हूँ, तू उसके साथ रह ले। उसके पास जाके क्या बोलूं, पुलिस वाले के काम के लिए आया हूँ, बलिदान नगर का इंस्पेक्टर मैं हूँ, ये सुन के मार देंगे वो मुझे। शिल्पकार हूँ, ऐसा उनसे झूठ बोल देना यार। ये भी ठीक है, पर बलिदान नगर है वो। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद है, शुरू कीजिए। आज पुलिस स्टेशन के सामने झंडा फहराने के लिए मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारे देश में पुलिस स्टेशन ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये क्या सर, आप मेरे पेट पे लात मारने पर तुले हैं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्रिमिनल होगा तो पुलिस स्टेशन रहना चाहिए, देश में क्रिमिनल ही नहीं होंगे तो पुलिस स्टेशन किस लिए? मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह अपना गांव होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थू। छोटे, देश के तिरंगे को देखकर थूकते नहीं। मैं तिरंगे को देखकर नहीं थूका, तुझे देखकर थूका। ए, अब पास करो। ये कौन से गांव का कुत्ता है? बाजू वाले गांव का है, नाम पन्ना है। मैं सिर्फ पन्ना नहीं हूँ, पंकजम का भाई पन्ना हूँ। क्या देख रहा है, तेरे पास काम करती आई मेरी बहन, शादी के पहले तूने उसे मार डाला। मैं उसका बदनसीब भाई हूँ, मैं जिंदा रहने तक तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। ए, पन्ना की जगह पानी है, समझा? चाचा। नदी में कोई मरा पड़ा हुआ है।
अब इसमें कोई शंका रही ही नहीं, ये मर्डर है। हम सबको इसका न्याय चाहिए। चलो इसकी बॉडी लेकर चलते हैं। चलो। बलिदान नगर आ गया, उतरिए भाई। थैंक यू सो मच। बलिदान नगर। भगवान, बलिदान नगर में मुझे पहुंचा तो दिया, लेकिन मुझसे कोई गलती ना हो, पापा का नाम रोशन करूं, ऐसा आशीर्वाद दे दो भगवान। ये देख रहे, भगवान ही नहीं है। ए, क्या बोल रहे हो? माथे पर चंदन और बोल तो भगवान नहीं है। अरे भाई, मैं भी तुम्हारा जैसा ही भक्त हूँ। हाँ। मंदिर में भगवान होंगे तो ही पैर पड़ सकते। कोई भगवान को चुरा कर ले गया है। अरे कौन? हाँ। वो किसे पता है, भगवान को ही पता है। यस हेड कांस्टेबल स्पीकिंग। वो शिवा वापस अपना काम शुरू कर दिया है। क्या किया है उसने? वही, वो पन्ना नाम का लड़का पानी में गिर के मर गया था ना, समझ गया ना? समझ गया सर, अब करना क्या है? अरे उसके ऊपर डाउट करके बॉडी को पूरे गांव में घुमा रहा है, पहले उसे जाके देख। भाई, यहाँ शिवा का घर कहाँ पर है? शिवा ना? हाँ। वो मुर्दा लेकर जा रहा है ना। हाँ? अरे वही बॉडी। क्या मुर्दा? देखिए ना वहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, नमस्ते। शिवा, बॉडी को तुम गांव में लेके नहीं घूम सकते। हम लोग घूमेंगे। बॉडी को गांव में घुमाओगे तो दंगा हो जाएगा। दंगा करने के लिए यह बॉडी हम लेकर जा रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सबको अरेस्ट करके जीप में डालो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। दिलीप की माँ, समय का योग देखो, अमृत योग है, शुभ नक्षत्र है। ऐसे शुभ संयोग में मेरा बेटा उस थाने में जाकर अपने कुर्सी पर बैठेगा। अरे आप मुझे अंदर क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही अपने कारनामे से मेरा बेटा मेरा नाम ऊंचा करेगा। सर सर सर, अरे अरे अरे, अरे, अरे तुम क्या कर रहे हो यार? जैसे गाय भैंस चिपकते हैं वैसे तुम चिपक रहे हो मुझसे। लॉकअप को क्या समझ के रखा है? हाँ। यहाँ कोई एसी रूम नहीं होता है? नहीं रहता है क्या? रुक जाओ, कौन हो भाई तुम इसे जानते हो क्या? भाई तुम्हारा ही नाम शिवा है क्या? हाँ। तो तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो मेरा दोस्त किट्टू है ना, उसने तुम्हारे लिए मेरे हाथ एक लेटर भेजा है। अच्छा। मेरा नाम पार्थिबन है, मैं एक शिल्पकार हूँ और वो मैं तुम्हारे घर पे रुकना चाहता हूँ। गाड़ी को पेड़ के नीचे लगा दे। कहाँ गया? ए कांस्टेबल। सर। हाँ, तुम्हारा इंस्पेक्टर नजर नहीं आ रहा है। नया सब इंस्पेक्टर आने वाला है, उसने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, सिक लीव डाली है। वो आए तो क्या और नहीं आए तो क्या। आप आ गए ना, आप ऑर्डर दीजिए सर, किसे अंदर करना है और किसे बाहर करना है। इन लोगों को अंदर क्यों रखा है? ऐसा इन लोगों ने क्या किया है? तालाब में एक जान मर गया है, उसके ऊपर डाउट करके इन लोगों ने उसके बॉडी को पूरे गांव भर में घुमाया, ये कोई क्राइम है क्या? अरे ये तो जनता की आजादी है। पता है सर? अरे पूरे देश में ये लोग बॉडी को कहीं भी घुमा सकते हैं, पता है? ये पता नहीं। अरे भाई, ये बलिदान नगर का फर्ज बनता है। ठीक है ठीक है, इन सबको बाहर निकालो। माफ कीजिए सर। क्यों? चाबी नहीं मिल रही। अरे वाह, मिल गई सर, अभी खोलता हूँ। जमादार सर, क्या हुआ? इन लोगों ने गलत किया है, इसलिए आपने इन लोगों को अंदर किया है। इन लोगों को आप बाहर भेज देंगे तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अन्याय है और बहुत बुरा है। मेरे होते हुए ये सब नहीं होगा। आप दरवाजा खोलो, अभी हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, ये सब गलत नहीं है। मैं ऑर्डर देता हूँ, सब लोगों को बाहर छोड़ दो। आप जमानत देंगे तो ये लॉकअप तो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकअप ही खोल दूंगा, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। कुछ भी हो, लेकिन अपने गांव के लोग हैं ना, मेरा दिल मान नहीं रहा है। आज का दिन अच्छा है तुम्हारा, जाओ जाओ जाओ। इसके बाद तुम लोग दंगा हड़ताल।
कोई नहीं है और अपने आप यहाँ से जा रही है। लगता है ये मेरे बारे में ही सोच कर हंस रही है। यही ठीक समय है, अपने मन की बात कह देता हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, सही मौका है कहने के लिए। सर आप? मैं ही हूँ। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि तुमसे अपने मन की बात कह दूँ। कौन सी बात सर? बहुत ही खास बात है, तुमसे एक सीरियस मैटर पर बात करनी है। ऐसा क्या मैटर है और वो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुमसे नहीं बोलूंगा तो और किससे बोलूंगा? राजेश्वरी, दोनों में से एक मुझे दो। क्या? तुम अपने दोनों कान में से एक कान मुझे दो। मेरी तरह एक स्मार्ट आदमी है, नहीं नहीं तुम मुझे ही समझ लो, तुम्हारे पास आकर प्यार से, इज्जत से और खुशी से आई लव यू ऐसा बोले तो तुम क्या करोगी? इतनी सी बात है सर, मैं तो डर ही गई थी। ये सब बातें हमें चुपके से करनी चाहिए। एक मिनट रुकिए। हाँ आंखें बंद कीजिए सर। ये क्यों, पप्पी देने वाली वो क्या? राजेश्वरी बेटा आओ आओ, बिना बोले अचानक आ गई, लेटर भी नहीं लिखा। अचानक ही आना पड़ा, ऐसी कोई बात हो गई। छुट्टी लेकर आई हो ना? नहीं पापा, काम छोड़कर आ गई हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो हेडमास्टर थोड़ा टेढ़ा है पापा, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं काम छोड़कर आ गई। गांव गांव में ऐसे ही लोग हैं बेटा, ज्यादा मत सोचो, अपने पास जो है उसे खाकर खुश रहो बेटा। आपके बूढ़े होने तक मैं आपकी मदद नहीं कर पाई ना पापा, मैं आप पर बोझ बन गई ना। उम्र होते ही तुम्हारी शादी नहीं कर पाया और तुम्हें काम करने के लिए भेज दिया, ये मेरी गलती है। कैसे थे हम और अब कैसे हो गए हैं, ये सब याद करने का कोई मतलब नहीं, मैं ही पागल हूँ। अरे इतनी दूर से आई है और मैं तुझे बाहर खड़ा करके बात कर रहा हूँ। आजा अंदर आजा, नहा कर खाना खा ले, आजा। ए, बाल्या, बारा, बारा तू, आज तू रहेगा या मैं रहूंगा, आजा देख लेते हैं। अरे हम गरीबों के पेट पर लात मार दी पापी, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। रुक जा, क्या कर रहा है? छोड़ रहे मुझे, छोड़, चल चल। तू जो पी रहा है ना वो शराब नहीं, गरीबों का खून। जो कहा था वो अब्दुल को बता दिया था। और एक खास बात सुनो। जी मालिक। वो बुड्ढा कुसट दारू पी के रोज मुझे परेशान कर रहा है, उसे जिंदा रखा है यही काफी है, उसे दारू पिला के ही मार डालते हैं। ठीक है सर। हाँ पता है, तुम्हारी एरिया में पानी की समस्या है। पानी नहीं सर। पानी ही नहीं है क्या? नहीं सर। अब नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, काउंसिलर से जाकर बात करो या फिर एमएलए के पास जाकर रिपोर्ट दो। सर मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। क्यों, मैं तुझे पुलिस वाला नहीं लगता हूँ क्या? मेरे पास कंप्लेंट करोगे तो मैं केस नहीं दर्ज करूंगा क्या? सर मुझे दिलीप से मिलना है। ये क्या, मुझ जैसा तंदुरुस्त इंसान यहाँ पर खड़ा है और तुम बीमार से मिलने आई हो? बीमार? पर वो तो अच्छे थे ना। अच्छे होते तो सिक लीव क्यों डालते? सिक लीव? हाँ अभी तक उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। मक्खी, रसगुल्ला वहां जा रहा है और तू यहाँ मंडरा रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। भैया एक किलो चावल दो और एक किलो दाल दे दो। हैं? हाँ।
दिलीप दिलीप सुनो, मैं नहीं हूँ। दिलीप जरा रुको। मैं दिलीप नहीं हूँ। दिलीप दिलीप रुको ना। अरे दिलीप सुनो तो, दिलीप सुनो तो। बालिया के लोग? हाँ दिलीप, ये आज की दुश्मनी नहीं है, 15 साल पहले की दुश्मनी है। उसकी वजह से मेरी माँ गुजर गई। इस गांव में हमारा परिवार बालिया के बराबर का था। वो बालिया की नजर में खटक रहा था। इतना ही नहीं, उसकी खेती के लिए हमारी ही खेती से होकर पानी जाता था, इसलिए हमारी खेती को लेने के लिए वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था। पर मेरे पापा नहीं माने, इसलिए उसने एक मर्डर किया और मेरे पापा के ऊपर डालकर उन्हें फंसाकर पुलिस वालों से पकड़वा दिया। मम्मी को डराकर उसने खेती ले ली। मेरे पापा के जेल में जाने की वजह से और हमारी खेती हमारे हाथ से निकल जाने की वजह से मेरी माँ ने फांसी लगा ली और खुद को खत्म कर दिया। मम्मी, 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 मम्मी। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी बात सुनकर समझ में आया, बालिया इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान है। इस गांव में ये सब कुछ हो रहा था, मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, पर एक बात बताओ। हाँ? तुम मुझे देखकर भागे क्यों? मैं जा रहा हूँ। वो क्या है कि मैंने तुम्हें ना एक लेटर भेजा था, उस लेटर में मैं एक CID ऑफिसर हूँ। ये बात तुम किसी को बता दोगी, इसलिए डर कर मैं भाग रहा था। लेकिन अच्छा हुआ, इसी वजह से मैं तुम्हारे पिताजी की जान बचा पाया। बेटा, पापा, पापा संभाल के। अब आप ठीक हो ना? नमस्ते। इन्होंने ही आपको बचाया है, मैंने बोला था ना, यही है दिलीप। तुम तो शिवा के दोस्त हो ना, तुम तो एक शिल्पकार हो ऐसा बता रहे थे ना? हाँ जी जी, मैं शिल्पकार हूँ, शिल्पकार हूँ, शिल्पकार हूँ। तुम अपने पापा का ध्यान रखो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? आप आराम कीजिए पापा। खेती भी हम करें, मेहनत भी हम करें, और खाने वाला कोई और। हम लोगों को बचा खुचा देकर पूरी फसल वो लोग ले जा रहे हैं। अपनी जमीन में उगे हुए फसल को वो ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग उनके पास अनाज लेने नहीं जाएंगे। एक बात समझ लो, वीर एक बार मरता है और डरपोक रोज रोज। हाँ शिवा सही बोल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। ए, तू दूसरे गाँव का है, इस तरह बोलकर तू तो चला जाएगा। कल को अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या? ऐसे ही डर के करते रहो तुम लोग उनकी सेवा। अंग्रेज लोगों से हमें आजादी मिल गई, लेकिन बाल्या जैसे लोगों से हमारे बलिदान नगर को कभी आजादी नहीं मिल पाएगी। हाँ, इसका आज ही फैसला करना होगा। अपने पसीने की कीमत हमें मिलनी चाहिए, ठीक है? कल से हम लोग अपना अनाज बाहर गांव में बेचेंगे। देखते हैं बाल्या क्या करता है हमारे साथ। देखते हैं क्या करता है वो। गाड़ी रुको, रुको, रुको। हम लोग को क्यों बेवजह रुक रहे हैं? क्यों भाई, ये सब अनाज लेके कहाँ जा रहे हो? बेचने के लिए। वो पता है, लेकिन कहाँ ले जाकर बेचोगे? हमारे अनाजों की कीमत हमें जहाँ ज्यादा मिलेगी वहीं उसे बेचेंगे। अरे इतने दिनों से मैं अच्छा भाव नहीं दे रहा था क्या? हाँ हाँ देते थे, दूसरे गाँव से 10 रुपए कम ही देते थे। भाई 10 रुपए कम देता हूँ इसलिए तुम मुझे भी भूल जाओगे? मैं गोनी पर 20 रुपए ज्यादा देता हूँ, तुम गाड़ी लेके वापस जाओ। 20,000 रुपए भी दोगे तब भी हम तुम्हारे पास अनाज नहीं बेचेंगे।
अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं। तू ही सब बोलेगा तो कैसे चलेगा, वो लोग को भी बोलने दे। हे, तू जाके सबको बता, गाड़ियां वापस भेज दे। ठीक है, मालिक हर बोरी के पीछे 20 रुपया ज्यादा देंगे, सब गाड़ी घुमा लो। हाँ ठीक है। हे, चलो चलो गाड़ी घुमाओ। हे, ये 20 रुपया बोल रहा है तो तुम लोग क्यों जा रहे हो? हे, ये सब लोग मेरे बोलने से वापस चले गए, लेकिन तुम हो कि जिद करके बैठे हो। क्योंकि अब मैं तेरा गुलाम नहीं बन सकता। संभाल कर जाओ बाबू। सब लोग इसके पीछे जाओ। अरे शिवा कहाँ है भाभी? आप कहाँ चले गए थे भैया? कितनी देर तक आपका इंतजार करके वो पास वाले गांव में अनाज बेचने चले गए हैं। मामा, मेरे पापा मेले से मेरे लिए शर्ट और खिलौने लेके आएंगे मामा। अच्छा, खिलौने और नई शर्ट लेकर आएंगे? हाँ। तो तुम्हारी नई शर्ट तुम मुझे भी पहनने के लिए दोगे ना? हाँ दूंगा मामा, पहले आप टकले हो जाओ। अरे बाप रे, मैं टकला हो जाऊंगा? हाँ भैया, इसको टकला करवाने के लिए और कान छिदवाने के लिए मैं कब से उन्हें बोल रही थी, पर आज ही उन्होंने हाँ बोला है। वो अनाज बेचकर इसके लिए नई शर्ट लाएंगे ऐसा बोल के गए हैं भैया। अब इसके लिए टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए बहुत खुश है। अब समय पे आ जाना भैया। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ इस छोटे का मामा बनकर। अपने कंधे पर बैठाकर मैं इसे खूब घुमाऊंगा। क्यों, मेरे कंधे पर बैठ के घूमेगा ना तू? बोल। सर नमस्कार। नमस्कार। शिवा को खून की जरूरत है, इसलिए मैं भाग के आया। मैं उसे खून दूंगा डॉक्टर। मेहरबानी सर, मुझे उसकी जान बचानी है। आपको खून देने की जरूरत नहीं है, इनका ब्लड ग्रुप मैच हो गया इसलिए इन्होंने खून दे दिया। ओह अच्छा, आपने खून दिया क्या? जी हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप शिवा के क्या लगते हो, रिश्तेदार हो क्या? आजकल रिश्तेदार कहाँ किसी की मदद करने के लिए आते हैं, मैं तो उसका दोस्त हूँ। ऐसी बात है क्या? जी हाँ। अरे दोस्त को तो ऐसा ही रहना चाहिए। आपने खून दिया है इसलिए इसे रखो। अरे नहीं नहीं, आपने पूछा ये बहुत है, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं भी इनका रिश्तेदार नहीं हूँ। अरे मैं भी इनका दोस्त नहीं। सर नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे ये तो शिवा की बीवी है ना? जी शिवा हाँ। का किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इलाज करो, ये लीजिए। अरे ले लीजिए।
क्या हुआ? गांव का मुखिया हूँ, तुम्हारे घर पर आया हूँ, हमसे कुछ पूछो भी नहीं? मेरे पति की ये हालत करके अब तू इस घर में क्यों आया है? तुम्हारी मदद करने के लिए मैं अस्पताल भी आया था, और तूने मेरे मन को समझे बिना मुझ पर थूक दिया। चार लोगों के सामने पैसे नहीं लेगी ऐसा मैंने सुना था, लेकिन अकेले में ले लेती है ऐसा माया ने कहा। तुझे धक्के मार के निकालो, इससे पहले निकल जा। ये क्या बहुत शरीफ लड़की की तरह चिल्ला रही है? अरे बाहर ही तो जाना है, जिस काम के लिए आया है वो काम तो खत्म कर दे। पकड़ो उसे। चल। छोड़ो मुझे। अब ज्यादा नखरे मत दिखा समझी, दिन में पार्थी बन के साथ और रात में शिवा के साथ तू मेरे। उसके बारे में गलत बोलेगा तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। छोड़ मुझे। मान जा। मैं कहता हूँ मान जा। चिंता मत कर, मैं तुझे अरे मान ले, कौन हो तुम? शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार की तरह लग रहे हो। कौन हो हा? तुझे पता नहीं डंडा है? सब इंस्पेक्टर दिलीप ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आया हूं। क्या शिल्पकार आज पुलिस की वर्दी में आया है? मिस्टर बालिया, तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। क्या हो गया छोटे? जैसे बच्चे ABCD बोलते हैं वैसे तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है, क्या बात है? शिवा की बीवी रूपा का रेप करके तुमने उसका मर्डर किया है, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट करने आया है? सर छोटू कुछ बोल रहा है। छोटे ये सर कौन है तुझे पता नहीं है क्या? ये DSP मुरगेशन है। सर मेरा नाम दिलीप है, आज ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। ऐसा है क्या?
इनको अरेस्ट करने के लिए तुम एफआईआर की कॉपी लाए हो? यस सर। मिस्टर दिलीप, व्हाट इज दिस? रेप केस की एफआईआर इनके नाम पे है। वो औरत पेट दर्द नहीं सह पा रही थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसमें इनका क्या संबंध? सर, इस घटना का गवाह मैं खुद हूँ। मेरी आंखों के सामने इस आदमी ने उस लड़की का। पुलिस वालों का काम गवाही देना नहीं है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? नो आर्ग्यूमेंट्स। सर, कानून को बचाने वाले यदि हम लोग। शराब, कानून के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। पेट दर्द का केस मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ और तुम अपनी ही बात बोलते जा रहे हो। खाकी पोशाक पहन लिया तो सातवें आसमान पर उड़ते रहोगे। शांति रखो और इज्जत देना सीखो। चलो, वर्दी सच के लिए लड़ना सिखाती है। सर, ये क्या है? मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो? सर, सिर्फ मेरे खातिर एक बार इस एफआईआर को पढ़ लीजिए आप। ये लो तुम्हारी एफआईआर। सर, ये लो केस की एफआईआर। जाओ, इसे फॉलो करो। किसी भी हाल में मैं अपने कानून का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, यही सत्य है। जय हिंद। अरे क्या हुआ छोटे, इतना छोटा मुंह क्यों बना लिया? अरे भाई, मुझे नहीं जानता, यहाँ क्यों आया है? यह हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तू बीच में क्यों दखल दे रहा है? तो ये तेरी प्रॉपर्टी है, तू यहाँ पे दारू की भट्टी चलाएगा? देख, हमें अपना काम करने दे और जाके तू अपना काम कर। आइए इंस्पेक्टर, मैं ही आपको देखना चाहता था, पर आप ही आ गए। मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, कॉफी पीना पसंद करोगे? कॉफी पीने नहीं आया हूँ, तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। अरे भाई, मजाक क्यों कर रहे हो? मुझे मजाक करना बहुत पसंद है। सिद्ध पकड़े हुए घोड़े की टांग तोड़ना मुझे अच्छी तरीके से आता है। मिस्टर बालिया, दारू की भट्टी चलाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। जल्दीबाजी मत करो भाई। है राना, उसे लेकर आ। ये लीजिए मालिक। अरे मुझे नहीं, उसे दो। कोई नई जगह ली है, उसके कागजात है क्या? शेर के पूंछ पर तुम झूला झूल रहे हो छोटे, ये बहुत भयानक है। मेरे पूर्वज लोग
बम्बू लेकर मर्डर किया करते थे। मेरी बात का यकीन करो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतनी तुम्हारी उम्र है। तुम ऐसा करोगे मुझे पता था। ये देखो जमानत के पेपर, तो मुझे अरेस्ट करने आया है। छोटे, मैं हमेशा गलत करता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बार तो तू बच गया, अगली बार तेरे हाथों में हथकड़ी डाल के तुझे घसीट कर नहीं ले गया तो। मेरा नाम दिलीप नहीं, देखते हैं। देखेगा तू रूपा का क्या हुआ, क्या हुआ। इज्जत लौट जाने के बाद उसने जान दे दी। मार दूंगा, चलो मुझे पुलिस स्टेशन आओ इंस्पेक्टर। पार्थिवन, पार्थिवन तू है? मैं पार्थिवन नहीं हूँ, दिलीप हूँ, सब इंस्पेक्टर दिलीप। तुम्हें अरेस्ट करने आ रहे पापी। ए, पुलिस के साथ कैसे बात करते हैं तुझको पता नहीं है क्या? मुझे फंसा दिया तूने। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या ड्यूटी है तेरी? मेरी बीवी को मारा, तुझे घर में रखा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ए, ये सब क्या बातचीत कर रहे हो, ले जाओ इसे। चिल्ला मत, लेकर चलो इसे। ए, बालिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों मेरा ही खाकर मुझे ही जेल में डाल दिया, यही सोच रहे हो ना? सोच नहीं, समझ भी रहा हूं। पुलिस वालों के बारे में मैं अच्छे से जानता हूं, तुम भी उन्हीं में से एक हो। एक मर्डर होने वाला है जानकर भी एक पुलिस वाला चुप नहीं बैठेगा। तो फिर क्या, उसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी और उसे मार डाला, तो उसकी मर्यादा करके उसकी आरती उतारू क्या? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है। तूने शोले फिल्म तो देखी होगी ना, उसमें एक कैरेक्टर है गब्बर नाम का, बिल्कुल इस कमीने बालिया की जैसा। गब्बर की वजह से ठाकुर को चोट पहुंचती है और ठाकुर इसका बदला आखिरी में ले लेता है। पर मैं उसे मारना चाहता हूँ, वो एक खून पीने वाला राक्षस है, खून पीने वाला राक्षस। दिलीप, दिलीप सुन मेरी बात, मैं उस बालिया का सर काट के तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाऊंगा, मुझे जाने दो दिलीप, प्लीज दिलीप। शिवा, तुझे लॉकअप में डाला तेरी जान बचाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे काम है। दिलीप, दिलीप, दिलीप। ए, अच्छे से खोदो। मालिक, क्या हुआ? कल अच्छा दिन है, खेती करने के लिए कुछ धान देंगे तो अच्छा होगा। महीना शुरू होने से पहले धान चाहिए करके यहाँ आ जाना, जब धान मिल जाता है तो दूसरे गांव में बेचते हो, इतने मतलबी हो जाते हो तुम लोग। मुझे तो लगता है एहसान शब्द का अर्थ तुम लोगों को मालूम ही नहीं है। तुम्हारा गुरु है ना वो शिवा, उससे जाके भीख मांगो, वही तुम्हें भर भर के भीख देगा। चल जा, जा यहाँ से, धान चाहिए इसको मुफ्त खोर। मालिक, ब्याज और मूल तो हम देते ही हैं। ये क्या बोला तू? मैं तेरे से ब्याज लेके जीता हूँ? आजकल तुम लोगों की चर्बी बहुत चढ़ गई है। जी मालिक। इसे जो देना है उसे देके भेज दो। छी, वो इंसान है क्या, उससे जाकर भीख मांग रहा है? उससे अच्छा तो भूखे मरना है। मैं भूख में इज्जत हार गया। वो मारता है तभी हमें जरूरत पे उसी के पास जाना पड़ता है। अरे जाओ रे, पेट के लिए कुछ भी करना सुनना पड़ता है, ये जिंदगी है क्या? उस दिन शिवा के साथ अनाज बेचने जाते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छी तरह सोचो, बालिया ने 20 रुपए ज्यादा देने की बात की और तुम सब लोग वापस आ गए। शिवा शरीफ है इसलिए उसका घर बर्बाद हो गया, किसी और का घर जल रहा है सोचकर तुम लोग चुप बैठे रहे, और आज हमारा घर जल रहा है ये जानते हुए भी तुम सब लोग चुप बैठे रहोगे, ये क्या बात हुई? आप लोगों की बात सही है, मगर उससे दुश्मनी लेके हम जी सकेंगे क्या? क्यों नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं तुम में से एक हूँ, आप लोगों की मदद करने आया हूँ। बालिया को आज के बाद तुम लोग ब्याज के पैसे नहीं दोगे, मेरे पास एक आइडिया है। मालिक, एक खास बात है, हमारे गांव में आया नया इंस्पेक्टर बैंक से सभी लोगों को लोन दिला रहा है, इसलिए हमारे गांव वाले उसी की बात मान रहे हैं। मालिक, अपने लोगों को ले जाकर। जल्दबाजी मत कर, मधुमक्खी मेहनत करके छत्ते में शहद जमा करती है, लेकिन वो खाती नहीं है।
हम ही लोग उस शहद को खाते हैं। फसल पक जाने दो, उसके बाद हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। अभी बात को शांति से निपटा लो, वक्त की नजाकत को समझो। अरे हाँ बोलिए। रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया पता मुझे है? नहीं पता। आपको पता? मुझे भी नहीं पता, इसलिए पूछा। मिस्टर मनोज। मिस्टर, देखा क्या? आपसे एक खास बात करनी है और आपको एक रहस्य बताना है। यस प्रोसीड सर। आप थोड़ा बाहर जाएंगे? बड़े लोगों की बात है, तुम बाहर जाओ। मनोज। सर आप इतने क्लोज कैसे? हम थोड़े सोशल हो गए हैं ना। ओ अच्छा है। इतना क्लोज अच्छा नहीं लगा क्या? मैं जहाँ रहता हूँ पता है क्या है? पता है। चुप। दीवारों के भी कान होते हैं। सर उस तरफ आओ, हम उस तरफ बात करेंगे। मजे लो मनोज भाई, क्या हो गया? रो क्यों रहे हो तुम? इतने चने डाल रहा हूँ मैं, लेकिन एक भी मुंह में नहीं जा रहा है। फिर से डालो। आप इंस्पेक्टर और मैं हेड कांस्टेबल, मैं डालूंगा तो सही नहीं होगा। अरे तुम ये जाम पियो। ये क्या छोटे, गिलास में तो दारू ही नहीं है। डालो ना। ये लो, इसे पियो। हाँ, ये पैक बिल्कुल सही है। क्या हुआ? पीने वाले लोग शोर करते हैं। ओ छोटे, गाँव में पहली बार तुम आए तो मुझे लगा तुम शिल्पकार हो। हाँ। और वो उस मूर्ति की तलाश में आए हो, कहीं तुम वो मूर्ति ढूंढ तो नहीं लोगे, सोचकर डर रहा था मैं। कौन सी मूर्ति? मुर्गन की मूर्ति। कौन से मुर्गन की मूर्ति? वही जो बालिया ने चुरा कर छुपा कर रखा है, वही मूर्ति। अभी वो मूर्ति कहाँ है? एक बैग और बनाओ तब बताता हूँ। कहाँ पर है बताओ? एक पैग और दो। अच्छा ये लो। एक पैग और बना दूं? हाँ दे ही दो। वो ना। अब बताओ। बहुत नींद आ रही है। ये तो उल्टी करेगा। तो क्या कहाँ गई? एजी। अरे दिलीप क्या बात है भाई, पूरे गांव को अपने साथ लेकर आए हो? गांव में कोई भी भला काम हो तो आपसे मिलने आना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग यहां पर आए हैं। क्या काम हो रहा है मुझे भी बताओ। मंदिर की खोई हुई असली मूर्ति हमें मिल गई। मिल गई? लेकिन कैसे? उस मूर्ति को स्थापित करके मंदिर में पूजा करनी है, इसलिए आपको बुलाने आए हैं। अच्छी बात है छोटे, तुम जो भी करना चाहते हो उसमें मेरा भी योगदान रहेगा, मैं जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा, हम चलते हैं। हे, कोई हुई मूर्ति सही सलामत है कि नहीं देख ले, उसकी हिफाजत करने वाले को सतर्क रहने के लिए बोल दे। जा। जी मालिक। तू इधर क्यों आया है? मूर्ति सलामत है या नहीं मालिक ने देखने के लिए भेजा। मूर्ति सही सलामत है, जाकर मालिक को बोल दे। जा जा।
इंसान के लिए भगवान ही रक्षक है, पर वो गुंडे लोग भगवान को ही चुरा के ले गए। भगवान की मूर्ति चुरा के वो ठीक से रहेंगे। मंदिर में भगवान नहीं है, पर मेरे मन में शांति नहीं है। रात में वो इंस्पेक्टर भाई आकर मुझसे बोले कि मैं मूर्ति लेके आता हूँ और आप लोग आकर उसकी पूजा पाठ कर देना, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी। इस गांव का सबसे बड़ा हूँ मैं, ऐसा सुनकर मैं चुप बैठूंगा क्या? इसलिए तुम लोगों की खेती और मेरी खेती, गांव के सभी खेती के लिए एक मुर्गन मूर्ति लेकर इस गांव में लाके रखूंगा। शाबाश मिस्टर बालिया, स्टेज के बिना, मेकअप के बिना अच्छा नाटक कर लेते हैं आप, वो भी डबल रोल प्ले कर रहे हैं आप। हा? क्या हो गया छोटे, जुबान ज्यादा ही चल रही है? ज्यादा नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। झोपड़े में आग लगा के उसे बुझाने के लिए पानी भेज रहे हो, आपने ही मूर्ति चुराई और अब उसे वापस लाने की बात कर रहे हो। क्यों? सच कुछ और है। तुमने 50 लाख रुपए की मूर्ति चुराई और अब 1000 रुपए की मूर्ति रख रहे हो। इस गांव के लोगों को तुमने आज तक बेवकूफ बनाया है, यही सच है मिस्टर बालिया। तुम किससे बात कर रहे हो पता है तुम्हें? पता है, शराफत का नकाब ओढ़े एक खतरनाक चोर से बात कर रहा हूँ मैं मिस्टर बालिया। चोरी तुम करते हो, स्मगलिंग तुम करते हो, देशी दारू तुम बनाते हो, रेप और मर्डर करने वाले इस गांव के दोगले आदमी से बात कर रहा हूँ मैं मिस्टर बालिया। देखो फालतू बात मत करो, मैं दोषी हूँ, इसका सबूत है तुम्हारे पास? आप कर क्या सकते हैं? 303 कानून को सबूत चाहिए होता है ना, मैं तुमको मूर्ति चुराने के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ। क्यों, सच बाहर कैसे आ गया यही सोच रहे हो ना? तुम्हारा भांडा आखिर फूट कैसे गया? जेल तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, अब कोई रास्ता नहीं है। हा? तुझे खरगोश और कछुए की कहानी पता है? उसी तरह मैं भी कछुए जैसे लगातार आगे बढ़ रहा था, तू सो गया और मैं जागता रहा। तू चालाक है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तेरी चालाकी पर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तू कहता था ना कानून मेरी जूती, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैंने बिगाड़ दिया। शैतान चाहे कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन वो गलती करता ही है। तूने भी गलती की और अपने जाल में खुद फंस गया। तूने क्या सोचा कानून बिक जाएगा हैं? ए, यही कानून तुझे सजा देगा मिस्टर बाले, अब तू नरक में जाएगा, नरक में। अरेस्ट हिम। ए, मुझसे पंगा ले रहा है। बात कम कर, चल। ओए, गाड़ी के दिन गए तेरे, सुनो जीप ले जाओ, चलो थोड़ा रास्ते में हम वॉक करते हैं, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। चलो चलो। आइए मिस्टर दिलीप, बदला लेने का काम कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रहा है। सॉरी सर, मैं किसी से बदला नहीं लेता, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ए मनोज, इनकी हथकड़ी खोल दे और बैठने के लिए चेयर दे। रुको, ये चेयर शरीफों के लिए है, क्रिमिनल के लिए नहीं। क्रिमिनल किसे बोल रहे हो? इन्होंने ऐसा क्या किया है? इसने मंदिर की मूर्ति चुरा कर अपने गोडाउन में रखी थी, इसलिए मैंने इसे अरेस्ट किया। इनके गोडाउन में मूर्ति है तो ये कैसे चोर हुए? ये लेकर आए थे क्या? Hey, लेकर आओ चोर को। hey, सर के सामने सच बोल। मालिक, मंदिर से मैंने ही मूर्ति चुराई थी और वो चुरा कर मैंने आपके गोडाउन में रखा, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने आपका खाया और आपको ही धोखा दिया, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। लेकर जाए इसे। माफ कर दीजिए मुझे। दल, दल। ऐसे लोगों को तो मार मार कर इनका भरता बनाना चाहिए। ये सब अब बता रहे हो तुम? चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अब क्या? सॉरी सर, वो चोर है इस बात का सबूत नहीं, ये चोर है इस बात का भी सबूत नहीं। मनोज, लॉकअप में डालो इसे। स्टॉप द नॉनसेंस। अपना बदला लेने के लिए तुम मिस्टर बालिया जैसे निर्दोष को दोषी ठहरा रहे हो? आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, रिलीज हिम राइट नाउ। सर देखिए मेरी बात, जो भी होगा देखा जाएगा, डू व्हाट आई से। ओके मनोज। सॉरी मिस्टर बालिया, आपको परेशान किया, आप जा सकते हैं। छोटे, मैं गलत काम के लिए ही पैदा हुआ हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हाँ यहाँ पर। नमस्ते। अरे कन्हैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक ने बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। कौन कौन कहाँ जाता है और कौन किसे कहाँ बुलाता है कुछ भी समझ में नहीं आता। वो क्या है ना, यहाँ पर एक मर्डर होने वाला है तो मुझे गवाही के लिए यहाँ बुलाया है। ट्रेन आने से पहले टिकट लेने की तरह आपने कत्ल से पहले गवाह तैयार करके रखा है। आप पहुँचे हुए विलन है। अच्छा, अब आप किसका मर्डर करने वाले हैं? तुम्हारा ही। बहुत अच्छे। क्या मेरा? मैंने ऐसा क्या किया है सर? तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। क्या नुकसान? मैं जहाँ भी जाता हूँ आपका फायदा करवाता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मूर्ति छिपा कर जहाँ रखी थी वो जगह तूने ही बताई थी ना? सच में मैंने तो नहीं बताया। गवाह सामने खड़ा है, तुम दोनों कान से कान मिलाकर बात कर रहे थे, इसने वो देखा। पर कान से कान मिलाकर कैसे बात करते हैं? मुंह से बात करते हैं ना? झूठ है, ये झूठ है। मैंने इसे बात करते हुए देखा था। बोल अब क्या बोलता है। उन्होंने ना मुझे अकेले में ले जाकर खास बात करना है करके कहा, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। मेरी बदनामी तो कर दी है और अब मुझे कहानी सुना रहा है। इसकी चमड़ी उधार दो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे भाई छोड़ दो मुझे। मेरे खानदान का नाम बदनाम कर दिया। मुझे देखते ही ये गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। आज उसने मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दी। मालिक, एक छोटा सा आइडिया है। क्या है? लॉकअप में जो शिवा है उसे किडनैप करके इंस्पेक्टर ने शिवा को मार डाला, ऐसा इंस्पेक्टर पे इल्जाम डाल देते हैं। मिस्टर दिलीप, आपने जिसे बाहर भगाया है वो एक मर्डरर है। सर मैंने उसे बाहर नहीं भगाया। ये तो आप बोल रहे हैं ना? यही सच है सर। आप जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। इधर आओ। लॉकअप की चाबी हमेशा किसके पास रहती है? हमेशा मनोज के पास रहती है। कल मेरे पास थी, मनोज की छुट्टी थी। कल चाबी किसके पास थी? कल चाबी सर के पास थी। कल तुम ड्यूटी पर थे क्या? कल सर ने मुझे जल्दी घर पे भेज दिया। झूठ। तू कल बीमार था, तुझे छुट्टी चाहिए, तूने ऐसा मुझे बोला था ना? अरे मैं ठीक था सर, घर पे जाओ बोल के भेज दिया मुझे। ए, झूठ बोल रहा तू। शिवा तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुमने उसे भगा दिया। उसे मैंने नहीं भगाया, किसी और ने भगाया है। किसी और ने किया है इसका सबूत है? शिवा को मैंने भगाया, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? दिलीप मत भूलो तुम अपने सीनियर से बात कर रहे हो। सर ये एक ईमानदार ऑफिसर नहीं है। जबान संभाल के बात करो। आप भी जुबान संभाल कर बात कीजिए। स्टॉप इट दिलीप, यू आर सस्पेंडेड। सर क्यों सर? तुमने कैदी को भगा दिया और अपने सीनियर ऑफिसर से गलत पेश आए। सर इन्होंने भी तो। यू कैन गो। मर गया। माँ कपड़े फाड़ के मारते, ये तो सुना था। मार के कपड़े। हवालदार साहब। अरे मैम साहब, आप सही वक्त पे आई है, मुझे बचा लीजिए। जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है। मेरी रस्सी खोलिए। भाई साहब, आज के बाद पुलिस की ड्यूटी अच्छे से करिए, अब जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप जाके शिवा को बचाने की कोशिश कीजिए। चाहिए तुम इतना मत सोचो, मैं ड्यूटी पर रहूं या ना रहूं इस गांव की मदद करूंगा। मैं बालिया को छोड़ूंगा नहीं। अरे वो देखिए वहां पर। अरे ये तो मनोज है। हाँ चलिए ना। मनोज क्या हुआ तुझे? सर पहले आप शिवा को बचाइए। शिवा कहाँ है वो?
बालिया ने उसे बंगले में बांध कर रखा है। इतने दिन मैंने उसका साथ दिया, मुझे माफ कर दीजिए। शिवा को जाकर बचाइए, उसे बचा लीजिए सर। मालिक, सब गांव वाले एक होकर उस शराबी के साथ सब अनाज दूसरे गांव ले जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। अब तक एक आधे लोग सुधरे नहीं क्या? इतनी मदद के बाद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। hey, तू जाकर लोगों को तैयार कर, आज उनका हिसाब खत्म कर देते हैं। जी मालिक। भिखारी लोगों की इतनी हिम्मत? इन लोगों के खानदान के लोग मेरे सामने खड़े होकर भीख मांगते रहते थे, इन लोगों की इतनी हिम्मत? अभी मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक की जुबान बंद कर दूंगा। हटो मेरे सामने से। जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ हट जा। ये सब लोग मेरे खानदान के नीचे के लोग थे, इनकी वजह से आज मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। आज मैं इन सब लोगों को जान से मार के ही चैन से बैठूंगा। मैं कहता हूँ तुम मेरे सामने से हट जाओ। सुनिए, हट जाओ। आपके दिल में जरा भी रहम नहीं? अभी तक आपने कितने लोगों को मारा है, अब इस पाप की वजह से हमारे खानदान में एक बारिश भी पैदा नहीं हुआ। हमारे पाप का घड़ा भर चुका है। पाप हो या पुण्य हो, इन सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है। इस गांव में सिर्फ मैं ही राजा हूँ और मेरा ही कानून चलेगा। मेरे खिलाफ जो भी आएगा उसे चांद से मारना ही मेरा धर्म है। ऐ जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इन सब लोगों को चर्बी ज्यादा चढ़ गई है। ए, सारी बोरियां गाड़ी में भरो। ए, किसी ने भी अनाज की बोरी को हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। उससे पंगा लोगे भिखारी लोग, ये सब गाड़ी में भरो। ए, कोई बीच में आए तो उसे गोली से मार दो। देख लिया मेरी ताकत? तेरी बंदूक से हम नहीं डरते, ये अनाज हमारे खून की तरह है। हम सबको मार के ये अनाज ले जाकर दिखा। शेर को मारने वाली बंदूक से तुम जैसे दो टके के कीड़े मकड़ों को नहीं मारूंगा। अरे, सारी बोरियां भर लो। We'll be right back.
मुझको याद आता है यार मेरे दिलदार मेरा, मुझको याद आता है यार मेरे वो प्यार मेरा, तन्हा हुए आ गया वो पास मेरे,